नमस्कार, कैसे हैं आप सर? मैं पंकज सर आपका होप एंड लर्न चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और इस मैथ्स मैराथन को अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे होंगे मेरे साथ। जैसा कि आपको पता है, मैथ्स मैराथन 2.0 हमने स्टार्ट कर दिया। यहाँ मैथमेटिक्स की पूरी जानकारी आपको देंगे, सटीक तैयारी कराएंगे एसएससी सीजीएल बैंकिंग और रेलवे के लिए। तो जिन्होंने अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके करें, अपने तक सीमित ना रखें, इसे फैलाएं और लुत्फ उठाएं इस फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन का अपने घरों में। सब कुछ चाहने से हासिल हो जाए ये मुमकिन नहीं जनाब, सब कुछ चाहने से हासिल हो जाए ये मुमकिन नहीं जनाब, ये जिंदगी है पिता का घर नहीं। जी हाँ, तो यहां पे हमारी मर्जी नहीं चलती, यहां हमें हासिल करना पड़ता है और हासिल करने के लिए कोशिशें करनी पड़ती हैं और उन्हीं छोटी छोटी कोशिशों से एक बड़ा मुकाम मुकम्मल होता है। तो उसी एक छोटी कोशिश के साथ फिर से शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का। आज ये तीसरा एपिसोड है, दो एपिसोड्स में पहले ही ऑलरेडी लाइव हो चुकी हैं वो दोनों एपिसोड्स। अगर आपने नहीं देखा, सब्सक्राइब करें, उसे देखें, समझें, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, अपने फीडबैक्स देते रहें। आज मैं आप देख सकते हैं एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस, प्रीलिम्स और मेंस के 2017-16 के बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं जो पैटर्न पे बेस्ड है। जैसे पहला सवाल आप देख सकते हैं, तो बिना समय वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहले फंडामेंटल समझाऊंगा कि अगर सटीक तरीके से करें तो कितना समय लगेगा, फिर ट्रिक पे आएंगे और फिर मजा आएगा ट्रिक को समझने का। तो देखिए जरा मेरे साथ, ये सवाल है इसकी वैल्यू क्या होगी। वो पुराना तरह का तरीका चला गया कि हम एलसीएम निकाल रहे हैं, ये वो नहीं, वो सब नहीं करना। तो ध्यान से देखें करते क्या है उसे। तो आप देखें जितने भी न्यूमरेटर्स हैं उन सब में 1 लिखा है और डिनोमिनेटर में 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, 5 × 6, यानी अंश में 1 है और हर में इस तरीके से पैटर्न बन रहा है। तो ध्यान से अगर देखें, जहां से ये खत्म हो रहा है वहीं से ये शुरू हो रहा है, जहां से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, और इन सब का गैप भी बना हुआ है। देखें यहां गैप कितने का, 1, यहां गैप कितने का, 1, यहां 1, यहां 1, यहां 1, ठीक है, एक पैटर्न बन गया। बहुत क्वेश्चंस इस पे आ चुके हैं, आगे भी आने वाले हैं, तो प्लीज देखें इसको धीरे धीरे लेवल आगे बढ़ाएंगे। पहले मैं फंडामेंटल समझा दूं बेसिक। तो क्या मैं इस 1 को 2-1 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, और नीचे जो था मैंने लिख दिया। इस 1 को मैं 3-2 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। इसे मैं 4-3 लिख सकता हूं, इसे मैं 5-4 लिख सकता हूं, और इसे मैं 6-5 लिख सकता हूं। यानी मैंने न्यूमरेटर्स को, अंश को ब्रेक कर दिया डिनोमिनेटर के हिसाब से, सही? देखें सब का डिफरेंस भी ऊपर 1 हो गया। अब आप ध्यान से समझे इस बात को कि अगर मैं इसे डिवाइड करना शुरू करूं, तो जब 2 को इससे डिवाइड करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या रह जाएगा 1/1, और फिर जब इस 1 से इनको डिवाइड करूंगा तो 1 से 1 कट जाएगा, क्या रह जाएगा 1/2। यहां पे इसी तरीके से करेंगे तो 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे 3 से 3 कटेगा, क्या बचेगा 1/2। 2 से जब डिवाइड करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, क्या रह जाएगा 1/3। इसी तरीके से यहां पे अगर करेंगे तो 1/3, और यहां करेंगे तो 1/4, यहां करेंगे 5 से 5 कटेगा 1/4, 4 से 4 कटेगा 1/5, यहां करेंगे 6 से 6 कटेगा 1/5, 5 से 5 कटेगा 1/6। यानी अगर आप ध्यान से देखें इस पैटर्न को तो ये तो गेम ओवर, और क्या बच गया 1 − 1/6, यानी आंसर है 5/6। मजा तो आया होगा समझने में पैटर्न, लेकिन लेकिन क्या इतना वक्त आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मिलेगा? क्या इतनी शीट मिलेगी वहां करने के लिए? ऑनलाइन पेपर है, दिमाग चलाना है, बैटरी जगानी है। तो ये समझने के लिए सही है, दिखने के लिए बढ़िया है, पर ये पैटर्न ऑर्थोडॉक्स है, ऑब्सोलीट है, पुराना है। तो कुछ ऐसा समझते हैं, एक फॉर्मूला क्रिएट करने जा रहा हूं, सही, वो इसी के आधार पर बेस्ड है, इसलिए मैंने पहले आपको ये समझाया। आप ध्यान से देखें, जब भी ऐसा पैटर्न बनेगा तो बीच के सारे नंबर हमेशा कट जाएंगे, यानी आंसर पहले और आखिरी टर्म से ही मिलेगा। तो क्या फॉर्मूला है वो ध्यान से समझ लें। फॉर्मूला ये है कि ऊपर तो आप लिख लें कितनी, या फिर ऐसे कर लें, फॉर्मूला मैं यहां पे आपको लिख देता हूं, और वो फॉर्मूला आपको बुक्स में नहीं मिलने वाला है, वो इसी से डिराइव है। बुक्स में आपको ये ऐसे सॉल्यूशन मिलेगा, मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं उससे बना के, सही? तो देखें कैसे करना है। आप सबसे पहले लिखें 1/डिफरेंस, इसे कर लें कॉमन डिफरेंस। ये क्या है मैं भी समझाता हूं, ये समांतर श्रेणी एपी नहीं है, ये कुछ और है, ध्यान से समझें, ठीक है? और अंदर आप लिख लें वन बाय वन माइनस 1/6, क्या है ये भी समझते हैं। इन सब का अंतर कितना आ रहा है, 1, 1, 1, 1, 1, तो यहां पे क्या लिखेंगे 1/1, कॉमन डिफरेंस 1 आ गया। यहां आपने क्या लिखना है, पहले टर्म का न्यूमरेटर का पहला अंक, ठीक है? इस फॉर्मूले को ध्यान से समझें, फर्स्ट टर्म के न्यूमरेटर का पहला अंक 1/n लिख दिया मैंने इसको,
और आखिरी टर्म के डिनोमिनेटर का आखिरी अंक। तो ये क्या है, लास्ट टर्म के, माफ कीजिएगा यहां भी डिनोमिनेटर है, पहले टर्म का डिनोमिनेटर का पहला अंक, सही, और आखिरी टर्म के डिनोमिनेटर का लास्ट अंक, इनका डिफरेंस, और फटाफट आंसर आ जाएगा। आप देखें सीधा सीधा एक में से एक बटे छह घटा दिया, पांच बटे छह आंसर आ गया। अब इस फॉर्मूले को यूज करके मैं धड़ाधड़ आपको सीजीएल मेंस के क्वेश्चन कराऊंगा और आपको मजा आ जाएगा कि सर बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है। लेकिन उस फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए इस सच्चाई को जानना जरूरी था। नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें, बढ़ते हैं, उड़ाते हैं सवालों को। तो लिखने जा रहा हूं अगला सवाल सीजीएल का, जो 2017-19 फरवरी के मेंस में आ चुका है, और अब हम इस फॉर्मूले को करेंगे सिर्फ, और फॉर्मूला आपने रटना नहीं है, आप समझ चुके हैं कैसे करना है फॉर्मूले को, सही। तो फॉर्मूला मैं अलग से लिख देता हूं ताकि सवालों को बेहतरीन तरीके से और आसानी से कर सके। तो देखें जरा, मैं सवाल लिख के लाया हूं, पहले मैं सवाल लिख दूं फटाफट। तो जो हमारा सवाल है वो है ये सीजीएल 2017 मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। मैं ऑप्शंस नहीं लिख रहा, सीधा फॉर्मूले पे आता है अपना फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला क्या था समझे पहले, हमारा फॉर्मूला था 1 बाय कॉमन डिफरेंस, ठीक है, और पहले वाले डिनोमिनेटर का पहला टर्म माइनस आखिरी वाले डिनोमिनेटर का आखिरी टर्म, सही। रीजन आपको पता है, तो देखें कर रहे हैं इसको। 1 बाय कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे, एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर, कॉमन डिफरेंस एक है। पहले वाले डिनोमिनेटर का पहला टर्म क्या है 1, आखिरी वाले डिनोमिनेटर का पहला टर्म क्या है 99, माफ कीजिएगा आखिरी वाले डिनोमिनेटर का आखिरी टर्म क्या है, आखिरी टर्म लेते हैं हम 100। अब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे आपका आंसर फटाफट आ रहा है, फटाफट बहुत आसानी से ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने तक सीमित ना रखें। मूव करते हैं अगले सवाल पे। तो आप देखें पहले सवाल में हमें कितना वक्त लगा समझने में, और हम क्योंकि फॉर्मूला समझ चुके हैं, फॉर्मूले के पीछे की सच्चाई भी समझ चुके हैं, तो फटाफट उड़ा रहे हैं सवालों को, और यही हमारा मकसद है। ये भी 19 फरवरी 2017 मेंस का सवाल है, देखें जरा ध्यान से कितनी आसानी से, कितने सरल तरीके से, झटके में फटाफट आपके सामने इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, और आप खुद भी बहुत आसानी से इसे कर सकते हैं। तो देखें सर कैसे करना है, अपना फॉर्मूला क्या है, 1 बाय कॉमन डिफरेंस, पहले वाले डिनोमिनेटर का पहला टर्म, आखिरी वाले डिनोमिनेटर का आखिरी टर्म। तो कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है यहाँ पे, 4 का चल रहा है, तो 1 बाय 4, पहले वाले का पहला टर्म 1 बाय 3, आखिरी वाले का आखिरी टर्म 1 बाय 903, सही। अब 3 और 903 का एलसीएम आपको पता है 903 ही होगा, और इसको आप यहां पे करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 300, यानी ये कितना हो गया 100 1 4 से काटा 25 बार 25 बटे 301 हमारा आंसर। ये देखें कितनी जल्दी हमने इसको सॉल्व नहीं किया, एलसीएम नहीं निकाला, कुछ भी नहीं किया, अपने फॉर्मूले के आधार पर फटाफट कर लिया, और फॉर्मूला याद नहीं रखना, क्यों, क्योंकि हमने इसका कंसेप्ट समझ लिया। बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है जो मैं अब आपको कराने जा रहा हूं, लिखने जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेते रहे साथ के साथ, ऐसे नोट्स आपको इतनी आसानी से कहीं नहीं मिलेंगे। ये सीजीएल के क्वेश्चन है, सटीक तैयारी कर रहे हैं हम, कोई इधर उधर के सवाल नहीं कर रहे। तो आखिरी सवाल में लिखने जा रहा हूं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, 1 बाय 2 इंटू 5, 1 बाय 5 इंटू 8, 1 बाय 8 इंटू 11, और इस तरीके से सीरीज चल रही है 1 बाय 299 इंटू 302, सही। उड़ा लिया इसको भी अपने तरीके से, तो हमारा फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, कितने का अंतर चल रहा है यहाँ पे, कितने का अंतर, 3 का अंतर चल रहा है, तो 1 बाय कॉमन डिफरेंस हो गया 3, सही। पहले का टर्म क्या है 1 बाय 2, आखिरी टर्म क्या है 1 बाय 302। ये देखें कितनी जल्दी आंसर पर हम पहुंच चुके हैं, एलसीएम लेंगे तो 302, सही। ऊपर क्या आने वाला है 150, काट दिया 50 बार, 25 2 से काटेंगे 25 बटे 151। ये देखें कितनी जल्दी हमने आंसर निकाल लिया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पैटर्न भी समझ आया होगा। इसी तरीके से मैं नंबर सिस्टम के 4-5 और पैटर्न लेके आऊंगा, और वही सवाल लिखूंगा, वही सवाल कराऊंगा शॉर्टकट तरीके से फटाफट, ताकि हम जल्दी से जल्दी नौकरी को हासिल कर सकें, इस चैनल का जो मोटिव है पूरा कर सकें। देखते रहें, सराहते रहें, लाइक्स कमेंट शेयर करते रहें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। कल फिर से मैं आऊंगा एक बेहतरीन वीडियो के साथ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के।